हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि पुराने एसी को नया लुक कैसे देंगे। तो इसके लिए आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन लेना है, जो आपको कोई भी मेडिकल शॉप में मिल जाएगा और ये काफ़ी सस्ता भी है। जैसे ये बड़ा बॉटल 36 रुपीज़ का है और एक छोटा बॉटल 10 रुपये में भी मिलता है। और इसको लगाने के लिए आपको ग्लोव्स का यूज़ करना ही है। अगर आप डायरेक्टली लगाओगे तो आपके हाथ की स्किन जल सकती है। तो इसे लगाने के लिए आपको कोई भी स्टील है, ग्लास है या प्लास्टिक का बाउल लेना है, उसमें ये सॉल्यूशन डालना है और ब्रश के माध्यम से ही इसे सब जगह पे इक्वली लगाना है। तो ये जो प्रयोग है, आप वाटर फिल्टर पे भी कर सकते हैं या पुराने कोई भी प्लास्टिक जो पीला हो गया उसके ऊपर कर सकते हैं। जैसे ये पूरी जगह पे लगाने के बाद आप सेकंड स्टेप देख रहे हो, इसे प्लास्टिक से कवर करना है, यानी रैप करना है। प्लास्टिक से रैप यानी मॉइस्चर उसमें का सूखने के लिए हमें रैप करना है कम्प्लीटली। जैसे आप देख रहे हो कि हमने पूरा प्लास्टिक एक साइड से अंदर ये किया है, और रैपिंग के बाद इसे टेप से भी हमें पैक करना है। ये पूरा रैप करने के बाद इसे धूप में हमें सुखाना है। आप 3 घंटे या 4 घंटे जैसे आपको ये करना है वो सुखाना है। और एक दिन के बाद, जैसे हम आज इसे निकाल रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आपको बाहर से भी पता चल रहा है। तो अभी हम ये निकाल रहे हैं, जो हमने एक दिन पहले इसे सॉल्यूशन लगा के रखा था धूप में। अब हमें फाइनल जो डिफरेंस है वो पता चल जाएगा। एकदम नए एसी जैसे इसका कलर हो गया। आपको अभी थोड़ा कैमरा जूम करके दिखा देंगे कि आपको थोड़ा डिफरेंस जो है एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, ये पूरा वाइट हो गया, जो जैसे पहले ये 8 साल पहले जैसे था अराउंड वैसे ही ये हो गया। तो आप ये घर पे भी कर सकते हो। थैंक यू।